नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सत्या फिर से अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की मेरी शॉपिंग मीशो की, और मीशो से मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स मंगाए। सारे इयररिंग्स को मैंने ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका है, तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एक एक इयररिंग्स को देख लेते हैं और इयररिंग्स के डिटेल्स देख लेते हैं। तो जो मेरा पहला इयररिंग्स है वो काफी खूबसूरत से हैं और स्टोन्स के हैं, और इसी वजह से मैंने पहले भी इयररिंग्स मंगवाए हैं, उसका भी मैं हॉल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। इयररिंग्स होते हैं ना, वो अपने आप में काफी स्टेटमेंट होते हैं और आपकी ब्यूटी को बहुत ही एनहेंस करते हैं। ये केवल आपकी ना ब्यूटी को ही नहीं एनहेंस करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी आइडेंटिटी को भी एनहेंस करते हैं। इयररिंग्स हमेशा हमेशा हर ड्रेसेस के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स एंड मैच या पेयर करके पहनती है। पहला इयररिंग है पिंक कलर का है और इसमें भी स्टोन है और व्हाइट कलर का है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इस तरह का मोती का इसका पूरा एज बना हुआ है। इसकी जो पिक्चर्स है मैं बहुत पास से भी आपको वीडियो शो कर दूंगी, ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे कि किस तरह से दिखते हैं। डैंगलर्स काफी पसंद है क्योंकि ये इजी टू वियर होते हैं। तो मैंने इस बार जितने इयररिंग्स मंगवाए मोस्टली डैंगलर्स मंगवाए हैं। आप देख सकते हैं सिंपल भी है और बहुत ही रिच लुकिंग है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको भी आपको ट्राई ऑन करके दिखा देती हूँ कि कैसे दिखेंगे। और वेट में तो बिल्कुल भी नहीं, आप इसे दिन भर पहन सकते हैं, बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। और मैंने जैसे कहा कि ये इस पे जो बाहर का जो आउटर है वो सिल्वर कलर का है या व्हाइट कलर का है, तो ये मेरे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी से बहुत मिक्स एंड मैच हो रही है। तो ये किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ एज वेल एज किसी आपके ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छे से पेयर अप हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं तो ये ऑफिस ड्रेस के साथ भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, बहुत सोबर से हैं। और अगर आप इसको किसी कॉलेज की ड्रेस के साथ भी पहनना चाहते हैं तो बहुत ऑसम लगेंगे। तो ये थे मेरा फर्स्ट इयररिंग। अब हम चलते हैं सेकेंड इयररिंग की और उसे भी देख सकते हैं। ये भी इसी कहीं का है, बट इसमें कलर देख सकते हैं व्हाइट कलर का है और इसमें ग्रीन और रेड कलर है। ये सब एक जैसे ही हैं, ओनली द कलर इज डिफरेंट, और बाकी का ये जो शेप है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी जो क्वालिटी है और सेलर है एक ही है। हमेशा ये जो कलर होते हैं ना रेड और ग्रीन, बहुत सारी ड्रेसेस के साथ मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि शैंडेलियर्स ये इस टाइप के इयररिंग्स बहुत फैशन में है, और आपने ज्यादातर सेलिब्रिटीज को देखे होंगे, वो काफी बड़े बड़े पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही साइज इसका ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग स्मॉल से मीडियम साइज के हैं। इसका जो आउटर का है मैंने आपको बताया था कि ये व्हाइट कलर का है, तो आप अगर ले रहे हो तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पिक्चर में मुझे थोड़ा डाउटेड हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा ये भी शायद गोल्डन कलर होगा, बट जो इसका आउटर है ना फ्रेंड्स वो व्हाइट कलर का है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको ट्राइंग करके दिखा देती हूँ कि ये पहनने के बाद आप पर कैसे लगेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी लेंथ उससे हल्का सा बड़ा है, और ये भी काफी जैसा उसका वेट था उसी से प्लस माइनस ही होगा, बट आपको ऐसा बहुत हैवी नहीं लग रहा, आप दिन भर पहन सकते हैं और देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगर आप इसका क्वालिटी का बात करें ना दोस्तों, ये तीनों इयररिंग की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है, क्योंकि अगर आप इस तरह के इयररिंग्स अगर शॉप पे लेना जाएंगे या मॉल से लेंगे ना तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेंगे, और इस रेट्स में तो नहीं मिलेंगे, ये डेफिनेटली श्योर। अगर इस तरह के इयररिंग्स आपको पसंद आते हैं और आपके बजट में है तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। क्वालिटी वाइज ये ऑसम है, और लुक वाइज तो फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत है, आपकी ब्यूटी एज वेल एज आपकी पूरी पर्सनालिटी को बहुत ही एनहेंस करेंगे। और आप इसे किसी भी ट्रेडिशनल एज वेल एज आप इसे किसी वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे से पेयर अप कर सकते हो। ये था मेरा सेकेंड इयररिंग। अब हम चलते हैं थर्ड इयररिंग की ओर। मेरा जो थर्ड इयररिंग है वो भी आपने देखा इसी काइंड के ही है, जैसे मैंने कहा था कि ये तीनों लगभग एक जैसे ही हैं, देख सकते हैं इस तरह का है। बाकी एथनिक ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं आप इसे, कॉलेज में भी पहन सकते हैं आप इसे, ऑफिस में भी पूरे दिन भर भी पहनेंगे ना तो बहुत मिनिमल लगेंगे। कुछ इयररिंग्स ऐसे होते हैं आप पहन लेते हो बहुत हैवी लगते हैं, बट ये फ्रेंड्स बहुत ही छोटे से हैं, मीडियम साइज के हैं, कैरी करने में बहुत इजी है, कंफर्टेबल है, आप पूरे दिन भर पहन सकते हैं, वेटलेस है, इसका वेट बिल्कुल नहीं है, बहुत बैलेंस्ड है। प्लस फ्रेंड्स ये आपकी ब्यूटी आपकी ड्रेस को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें। इसे भी आपको पहन के दिखा देती हूँ कि पहनने के बाद ये आपको कैसे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर से बहुत मिनिमल से हैं, और अगर आपको इस रेट पे अगर ये इयररिंग्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। बाकी का अगर आपको ये थोड़ा ओवर बजट लगता है या आपको बजट फ्रेंडली नहीं लगता तो आप इसे ना। ये थे मेरे थर्ड इयररिंग। अब हम चलते हैं फोर्थ इयररिंग की और उसे भी देख लेते हैं कि खूबसूरत है और ये काफी अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ बड़ी एक गड़बड़ हो गई है।
और इस सेलर ने मुझे अच्छे से तो इयररिंग दिए हैं, बट इस इयररिंग के साथ ये गड़बड़ हो गई है। इसके क्लोजर्स हैं, आप देख सकते हैं, इसका सेंटर में दिया हुआ है और इसका साइड में दिया हुआ है। प्लस इसकी जो चेन भी दी ना, उसकी लेंथ भी थोड़ी कम है। अगर आप कान के हिसाब से देखें तो ये बैक में आके नहीं क्लोज हो रहा है। इसको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इस तरह की कोई भी चीज लें। मैंने काफी शौक से लिया था। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये सारी जो शॉपिंग है वो हम अपने खुद के पैसों से करते हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, तो हमें तो लॉस ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इयररिंग्स है इसे मैं डेफिनेटली वापस करूंगी, और मैं आपको भी कहूंगी कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं लीजिए, स्पेशली इस सेलर से तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर दूसरे सेलर से अगर आप ये लेना चाहते हैं और अगर इसका चेन ये सब अच्छा आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, तो मैं भी जरूर इसे खरीदूंगी क्योंकि ये मुझे काफी पसंद आया। ये थे मेरे फोर्थ इयरिंग। अब हम चलते हैं फिफ्थ इयरिंग की, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये मेरे काफी खूबसूरत से बहुत ही अफोर्डेबल, ये मुझे 130 में टू पेयर ऑफ टू मिला है। कॉम्बो काफी अच्छा है, और फ्रेंड्स इसका जो क्वालिटी है फ्रेंड्स, उसे आप आंखें बंद करके ले लीजिए। जो व्हाइट और ब्लैक कलर में, और इसमें भी काफी कलर्स हैं, अगर आपको कोई कलर्स पसंद आते हैं तो आप उसमें से डेफिनेटली ले सकते हैं। जो ब्लैक कलर है वो भी बहुत सारे कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है, व्हाइट भी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ मिक्स एंड मैच हो जाता है, तो मैंने दो मंगवाए। देख सकते हैं इसमें भी स्टोन लगा हुआ है प्लस पर्ल्स का काम है, और बहुत लाइट वेटेड है, बहुत स्टाइलिश है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं इसको हाईली 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 रिकमेंड करूंगी कि आप इसे डेफिनेटली ले लें। ये बहुत ही स्टील डील थी, तो ट्राई करके दिखा देती हूँ कि कैसे लगेगी। इजी टू वियर होते हैं, और देख रहे हैं आप, और बहुत मिनिमल से रखते हैं, मतलब हैवी भी नहीं दिखते हैं, आपकी जो ब्यूटी है उसको भी बहुत एनहेंस करते हैं और स्टाइलिश लगते हैं। आपकी जो पूरी जो स्टेटमेंट है ना फ्रेंड्स, उसको बहुत ही, देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सा लगता है, और ये किसी भी ड्रेस के साथ ना बहुत अच्छे से मैच भी हो जाता है। तो ये है व्हाइट कलर, और ऐसे ही है दोस्तों ब्लैक कलर। अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं और या फिर आप डेली इयररिंग्स चेंज कर करके पहनना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट। तो जो मैंने पहले इयररिंग्स दिखाए थे इसमें काफी वेरिएशंस हैं, काफी कलर्स अवेलेबल है और काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की शॉपिंग। आज की मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना। इन सारे जो इयररिंग्स हैं उनकी लिंक मैं आपके साथ स्क्रीन पे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वहां से चेक इन कर सकते हैं। हम नई शॉपिंग में नए रिव्यू के साथ, तब तक बाय एंड कीप स्माइलिंग।